देखने में बहुत खूबसूरत है यार। वाकई यार, हसीन तो दोनों बहने हैं, और वो छोटी वाली भी कम नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या मसला है आप लोगों के साथ? परेशानी क्या आप लोगों को? क्या बकवास कर रहे हैं ये? शर्म नहीं आती तुम लोगों को मोहल्ले की लड़कियों के लिए ऐसी बकवास करते हुए? परेशानी हमें नहीं, आपकी बहन को हो रही है आपकी वजह से। आशिक को घर तक बुला लिया शादी की वजह से। अपनी बकवास बंद करो, अगर एक लफ्ज और निकाला ना तुम्हारे हलक से जुबान खींच लूंगी मैं। किस किस की जुबान खींचेंगी आप? हमारा ही नहीं, पूरे मोहल्ले वालों का यही कहना है। और जो लड़का आपको लिफ्ट देने के लिए बस स्टॉप तक आता है, उससे घर तक ड्रॉप क्यों नहीं ले लेती आप? वैसे एक बात है, बाइक तो मेरे पास भी है, कहें तो आपको बस स्टॉप से पिक कर लिया करूं। शट अप जाहिल इंसान, तुम लोगों को जरा भी शर्म। क्या बात, क्या हो रहे हैं आप? मैं घर जा रही थी, ये लोग पता नहीं यहाँ खड़े हुए क्या बकवास कर रहे हैं। हमने तो बस इतना ही कहा है, बॉयफ्रेंड से बस स्टॉप तक ड्रॉप लेने की बजाय घर तक आ जाए करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज और निकाला तो। क्या बक रहे हो तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे सखलेन मियां? अगर रोकना ही है ना तो अपनी बीवी की इन बहनों को रोको कि अपनी हद में रहें। ये शरीफों का मोहल्ला है। कहना क्या चाहते हैं, खुल के बात करें। अगर खुलकर बात हुई ना तो यकीनन तुम्हें बुरा लगेगा, मगर यही सच है कि अगर इनके मरहूम वालिद और बूढ़ी वालदा का लिहाज ना होता ना तो इनको मोहल्ले में रहने ना देते। आपकी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता इस बात का। आपके घर में माँ बहन बेटी सब होंगे, दूसरों की माँ बहन बेटियों के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, बोतान लगा रहे हैं आप। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? बोतान नहीं है, आपने उस दिन खुद देखा तो था अपनी आंखों से। तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर तुम्हारे बारे में मैंने यहाँ सबको बता दिया ना तो इस मोहल्ले में क्या पूरे शहर में कहीं नहीं रह पाओगे तुम। मानू तुम जाओ घर पर, मैं देखता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। सच बोलने का तो जमाना ही